नीतीश कुमार के अगर इस सरकार के कार्यकाल को आप अगर देखें तो नीतीश कुमार ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एक बार वो एनडीए से अलग हुए, महागठबंधन के साथ गए, फिर महागठबंधन को छोड़ा और फिर से एनडीए के साथ आ गए, अब सरकार बना ली। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर नीतीश कुमार किस शर्त के साथ लालू यादव के पास गए थे और आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, हालांकि यह सरकार भी सिर्फ 17 महीने ही चली। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। भले ही नीतीश कुमार ये कहें कि उनका मन नहीं लग रहा हो और उस गठबंधन के में एक भ्रष्टाचार हो रहा था, आरजेडी पार्टी के कुछ मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस वजह से वो अब निकलकर एनडीए के साथ आ गए हैं और यही रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप तेजस्वी यादव को देखें तो तेजस्वी यादव अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिसमें वो नीतीश कुमार के पुराने घावों को ही कुरेद रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था ये जनता को बता रहे हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा से लेकर किसी भी जनता के सामने वाले मंच पर जब भी खड़े हो रहे हैं तो बड़े सौम्य अंदाज में नीतीश कुमार पर तीखा हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया है कि लालू यादव से किस बात को कहकर नीतीश कुमार मिले थे, जिसके बाद सरकार का गठन हुआ और महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार में आए। तो मुख्यमंत्री जी के गिराते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी नाभी जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, गाये हम जानत रहनी। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव पुरानी बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के मन में भी ये टीस रही कि दोनों बार नीतीश कुमार गठबंधन को तोड़कर एनडीए के साथ आए, लेकिन कभी भी ये बताया नहीं खुलकर कि उन्हें दिक्कत कहाँ है, जबकि कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार से मिलने के लिए लालू यादव भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, कुछ मंत्रियों के विभाग तक बदल गए, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने पाला बदल कर एनडीए का दामन थाम लिया और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तेजस्वी यादव को ये लगता है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दिन तक अब बिहार की राजनीति में नहीं है, ऐसे में जरूरी है कि वो अगर सियासी पिच को तैयार करें तो उनके सियासी पिच पर सबसे ज़्यादा हमला नीतीश कुमार को लेकर ही हो, लेकिन वो हमला सौम्य तरीके से हो, जिसमें ये ऑप्शन हमेशा बरकरार रहे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला है। क्योंकि बिहार में अगर आप सीटों के गुना गणित को देखें तो कोई भी सरकार बिना नीतीश कुमार के समर्थन के नहीं बनती है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी कभी एक साथ आएंगे नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सभी दल ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन में रहें, लेकिन तेजस्वी को यह अब लगता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए हैं तो पूरा मैदान अब उनका है, जहाँ वो अपने तरीके से अपनी सियासी जमीन तैयार कर सकते हैं और अपनी सियासी पिच से वो बैटिंग भी अपने अंदाज में कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।